शांति। आज 14 मार्च 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 18 नवंबर 1987 और मुरली का सार हेडलाइन में दिया है, साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांत वासी स्थिति। तो आज बाबा ने हमें साइलेंस पावर, साइलेंस शक्ति के लिए प्रेरणा दी। बाबा ने कहा, शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है, न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गहरे रूप से जानने और अनुभव करने का है। बाबा ने हमें ये भी बताया कि अभी हमारी जो अभ्यास है वाणी की शक्ति से सेवा करने का, इसका तो हमें अभ्यास है, लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। ये बाबा ने आज हम बच्चों को साइलेंस की शक्ति का जो महत्व है और साइलेंस जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है, साथ ही साथ जो ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, वो सारी बातें बाबा ने बताई हैं। अगर हम यूं कहें, ये मोस्ट मॉडर्न टेक्निक बाबा ने आज हम बच्चों को बताया है, साइलेंस की शक्ति। तो बाबा कहते हैं कि जैसे वाणी में, वाणी के द्वारा आप सुनाते हो, करते हो, ऐसे आप साइलेंस के बल से हम कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो साधन है साइलेंस की शक्ति के, वो तीन साधन जो श्रेष्ठ है, जैसे वाणी की सेवा का साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा। तो दीदी ये ये जो हमने कभी भी पहले नहीं सोचा था कि वास्तव में साइलेंस की शक्ति क्या है, साधन क्या है। आज बाबा ने क्लेरिफाई किया है कि जैसे देखो, साइंस की शक्ति में वीडियो, प्रोजेक्टर, प्रदर्शनी, ये सब चीजें आप बनाते हैं, परंतु आपके पास साइलेंस की शक्ति में कौन सी चीजें हैं? आपके पास भी वैरायटी है, जिसको बाबा ने कहा शुभ संकल्प है आपके पास, शुभ भावनाएं हैं आपके पास, और उसके साथ साथ बाबा ने कहा तीसरी चीज, शुभ नैनो की संकल्प, भाषा। नैनो की भाषा। और बाबा ने बहुत सुंदर नैनो की भाषा को क्लियर किया, वो आप पढ़िए। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे अपने मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। ये है साइलेंस की शक्ति जो हम अपनी दादियों में देखते हैं। बाबा अव्यक्त रूप से जब आते हैं तो उसमें भी हम ये चीज़ देखते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा, नैनो की भाषा के द्वारा आप जो भी स्थिति का अनुभव कराने चाहो करा सकते हो। और उसमें स्पेशली जो बाबा ने बात कही है, आपका और बाप का दोनों का ही चित्र दिखा सकते हो। तो मस्तक के बीच में आप और बाप का चित्र दिखाने में सक्षम हो सकना, ये तो हमारा लक्ष्य है कि हमसे साक्षात्कार हो, हम इतने प्रवीण हो जाएं जो हमारे द्वारा देखा जा सके। तो बाबा ने ये बात हम बच्चों को रियलाइज कराई है, तुम्हारे पास ये सब साधन हैं,
इनका यूज करो। बाबा ने कहा, जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। ये देखिए कितनी जबरदस्त चीज है। बाबा कहते हैं कि आपका चेहरा योग की भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव उनको कराए, जिसमें बाबा ने कहा बीज रूप स्थिति का अनुभव या खुश, रूप का हाँ जी बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सके, शांत स्थिति का अनुभव कर सके, खुशनुमा स्थिति का अनुभव कर सके, वो हमारे चेहरे के द्वारा अनुभव हो। वाणी के द्वारा तो होता रहता है और वाणी में हमको उस स्थिति को इमर्ज करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन जब हमारी नेचुरल साइलेंस के स्थिति का अभ्यास होगा और वो नेचुरल होगा तो हमारे चेहरे के द्वारा ये सब चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे जब आप शुभ भावना स्नेह के भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे, तो जैसे आपकी भावना होगी वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। हाँ ये कितनी विशेष बात है कि आपकी जो भावना है वह उनकी भावना को प्रज्वलित करेगी। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसे होंगे, वो भावना वाइब्रेशंस के द्वारा उन आत्माओं में जाएगी और वे आत्माएं ऐसा अनुभव कर सकेंगी। तो अपनी भावनाओं से हम औरों की भावनाओं को बदल सकें, ये भी बाबा इसमें बता रहे हैं। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो, जिसमें बाबा ने टेलीफोन वायरलेस इसका भी एग्जाम्पल दिया। ये बाबा ने बताया कि जैसे देखो तुम्हारे पास स्थूल साधन है, स्थूल साधनों से तुम क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो और कर लेते हो, लेकिन कभी अपने ये साइलेंस के साधन को यूज किया? साइलेंस के साधन इतने पावरफुल हैं जो यहाँ बैठे आप कुछ भी किसी भी आत्मा के द्वारा संकल्प भेज करके करा सकते हो। बाबा ने कहा, साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है इसलिए इनका अनुभव नहीं है, लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे, इसलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। बाबा ने हमको वार्निंग दे दी है, चेतावनी दी है कि आगे चल करके सब प्रकार के साधन यूज में आ नहीं सकेंगे। जो कुछ आपके पास है स्थूल साधन, वो नहीं यूज कर पाएंगे। आपको उसकी भेंट में साधन जो यूज करने हैं, उस साइलेंस की शक्ति में प्रवीणता लानी है। साइलेंस की शक्ति के साधनों को यूज करने के अभ्यस्त होना है। और बाबा ने कहा कि क्योंकि तुम्हें अनुभव नहीं है इसलिए तुमको ये कठिन लगता है, लेकिन जब हम इसका अभ्यास करते हुए इसे हम अपने उसमें ले लेंगे तो फिर सहज हो जाएगा। और साथ ही बाबा ने कहा, आगे चल वाणी और स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय भी नहीं मिलेगा। हाँ समय भी नहीं होगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि शांति के शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी है, वर्णन करने वाली कितनी है और प्रयोग करने वाली कितनी है, तीन बताएं बाबा ने। बाबा अपनी सेना को चेक कर रहे हैं, फिर से रिपीट करिए।
बाबा ने देखा शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी है, अनुभवी, वर्णन करने वाली कितनी है वर्णन करने और वाली, प्रयोग करने वाली कितनी है। प्रयोग करने, ये हैं। कुछ लोग प्रयोग करते रहते हैं, कुछ लोग जो है कह रहे मेरे को अनुभव है इस चीज का, और कुछ जो है ये जो है वर्णन, ये शक्ति की तो कमाल होती है, वर्णन करेंगे खूब अच्छी तरह से बढ़ा चढ़ा करके, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाना, यूज करना, अनुभव है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनुभव के बाद उसको हम यूज कर सकें वो है विशेष बात। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। एकांतवासी बाबा अर्थ का आगे कर ने बहुत अच्छा बताया है कि साइलेंस के लिए आपको क्या चाहिए, अंतर्मुखता और एकांतवास। अंतर्मुखता माना एक होता है ना बाह्य मुखता, बहुत बोलना, हंसी मजाक, टू मच वाणी, बातें करना आदि आदि, परंतु दूसरा है इसके विपरीत में जिसको बाबा ने कहा है एकांतवास। अंतर्मुखी बनो और एकांतवासी बनो। अब एकांतवासी क्या होता है वो बाबा ने ब्यूटीफुल बताया। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, हाँ चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले, चाहे फरिश्ते पन की स्थिति, औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ, तो ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। ये बाबा कहते हैं कि एकांतवासी माना एक कोई भी स्थिति में रम जाना, खो जाना कोई भी स्थिति में, इसको बाबा ने एकांत कहा। एकांत हम लोग समझते रहे कि अपने आप को लोगों से परे ले जाओ, अकेले में बैठ जाओ, लेकिन बाबा ने आज कितना अच्छा सहज कर दिया एकांत हमारे लिए, कि आप कहीं पर भी बैठे हो, कोई भी एक स्थिति की गहराई में चले जाओ, वो है एकांत। और ये एकांत तो हम लोग कर ही सकते हैं। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया, तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो। यही ब्रह्मा बात, पाप से ज्यादा जिम्मेवारी और किसकी है क्या? बाबा ने बताया कि बच्चे कहते हैं हम बहुत बिजी रहते हैं, बहुत जिम्मेवारी है, लेकिन बाबा कहते हैं आप सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तो मेरी है, जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हमें ये भी बताया कि सुनने सुनाने से थके हुए जो आत्माएं हैं आएंगे, साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे, शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे, शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे, ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे, तब आप चैतन्य देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे, और ये अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की ये महिमा करेंगे। तो ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व बाबा ने हमें आज इस ये मिनट में आज की मुरली में
बाबा ने जो ट्रैफिक कंट्रोल की बात कही है, वो बाबा ने कहा ये नियम है, जैसे आपके अन्य नियम हैं ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल प्रॉपरली करना ये भी आपका एक नियम है। तो आज की मुरली से हम ये बात अंडरलाइन करते हैं कि हमको इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। तो आज बाबा ने हमें ये भी कहा कि दादियों से मिलते हुए कि दुनिया में तो नाइट क्लब होते हैं और ये है अमृत वेला क्लब, हाँ तो आप सब अमृत वेले क्लब के मेंबर्स हो। हाँ ये अब ये हमको देखना है क्या हमको उस मेंबरशिप मिली हुई है, हमने वो मेंबरशिप ली हुई है अमृत वेले क्लब की, ये हमको देखना है। आज का वरदान है पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुभ संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो, तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। ये बाबा ने कहा है व्यर्थ संकल्पों पर ब्रेक, कोई भी रीति से व्यर्थ संकल्पों पर ब्रेक लगाना जरूरी, तब हमारे संकल्पों में शक्ति भर सके। और आज का स्लोगन है संकल्प समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। बिल्कुल राइट है, इकोनॉमी करिए। और अभी वास्तव में समय भी नहीं है, हम कब तक किसी बात के विस्तार में जाते रहेंगे, अब तो सार में जाने का समय है, एसेंसफुल बनने का समय है, बिंदु लगाने का समय है, तभी हम बाबा का भी सहयोग और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बाबा उस चीज़ को सहयोग नहीं देता जो बहुत विस्तृत है, बाबा कहता मैं सार रूप हूँ, अब सार रूप में तुम बच्चों ने वापस आना है इसलिए अपनी इस चीज पर अटेंशन दो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने हमें विशेष साइलेंस की शक्ति, साइलेंस के साधन, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ संकल्प, नैनों की भाषा और हमारे जो नियम है अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल, इस पर पूरा हम विशेष ध्यान दें और जैसे जैसे आगे का समय है उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें। ओम शांति। ओम शांति।